देखिए दोस्तों, अब हम सेट पर आ गए हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गट्टा किस तरीके से डालते हैं, गट्टे की कितनी मोटाई होनी चाहिए मसाले की। आज मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, लास्ट तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा सही जानकारी मिलेगी। और अगर आपने अभी मेरे चैनल की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कई टॉपिक पे वीडियो बनाई हैं, आप जाके चेक करें, आपके हो सकता है वो काम आ जाएं। ये देखिए दोस्तों, आज इस कमरे से हम शुरू करते हैं गट्टा डालना, वीडियो में आप बने रहें। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, लाइक ज़रूर करें ताकि उससे हौसला और बढ़ जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम इस कमरे से शुरू करते हैं गट्टा डालना। आप ध्यान से देख के समझिए। और एक चीज और बताऊं दोस्तों मैं आपको, गट्टे की मोटाई जो है आपको 2.5 से 3 इंच तक रखनी होती है, कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए और 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गट्टा डालने के लिए आप मटेरियल जो बना रहे हैं उस मटेरियल का रेशो होना चाहिए आपका 8:1 के हिसाब से वो बनाना चाहिए। 5 परात आपका रहता होना चाहिए बालू और 3 परात दाना होना चाहिए कटा हुआ और 1 परात उसमें सीमेंट होना चाहिए। ये गट्टे के लिए मसाले का रेशो होता है, क्योंकि गट्टे में ज़्यादा तेज मसाला नहीं लगता है दोस्तों, तो इसलिए आप इस हिसाब से गट्टे के लिए मसाला बनवाएं। और फिर देखिए दोस्तों किस तरह से डालना है, आप ध्यान से देख के समझिए। ये हमने कन्नी से ही इकसार किया है। और अगर आप नए हैं तो आप इसमें फंटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप कन्नी से इकसार नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें फंटी भी लगा सकते हैं बराबर करने के लिए। और अगर आप कन्नी से कर सकते हैं तो फंटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गट्टा ही है, गट्टे में इतनी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर आप टाइल्स या पत्थर कुछ भी लगाएंगे तो इसलिए इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ध्यान से देखिए और समझिए किस तरह से जो है गट्टे को डाला जाता है। और दोस्तों मेरे चैनल पे आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, मैंने बना रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लास्टर के ताल्लुक से या चुनाई के ताल्लुक से जीने की वीडियो है, सेप्टिक टैंक का लेंटर वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने पोस्ट की हुई हैं। अगर आपने अभी चेक नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपके कोई वीडियो काम आ जाए, तो इसलिए आप एक बार मेरे चैनल को जाके विज़िट ज़रूर करें।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख के समझिए किस तरह से जो है हम गट्टा डाल रहे हैं। और मेरे कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि मैं वीडियो जल्दी नहीं डालता हूं, तो दोस्तों वीडियो जल्दी नहीं बन पाती हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों को कोई नॉलेज वाली और अच्छी जानकारी देना जो आपके काम भी आ सके और आप समझ जाएं और आप अच्छी तरीके से समझकर सीख जाएं, तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी नहीं डाल पाता हूं। लेकिन दोस्तों 8 दिन में एक वीडियो मैं लगभग डाल देता हूँ, उससे पहले भी डाल देता हूँ। अगर कोई ऐसी वीडियो बन जाती है जो मुझे लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, जो आपके काम आ जाए, तो मैं 8 दिन से पहले भी डाल देता हूँ। नहीं, 8 दिन में तो एक वीडियो मैं डालता ही हूँ। देखिए दोस्तों, आप किस तरह से जो है हम गट्टा डाल रहे हैं, ध्यान से देख कर आप समझिए। ठीक इसी तरीके से आपको डालना है। इसमें हमने कोई बीच में डोर नहीं लगाई है, कोई सूता नहीं लगाया है। पूरा उसको कन्नी से ही इकसार कर दिया है। अगर आप इस तरह से अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप डोर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कन्नी से अगर इकसार नहीं कर पाए तो आप फंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके काम में कोई कमी ना रहे और आप अच्छी तरीके से काम सीख जाएं। देखिए दोस्तों, लगभग ये हमारा इस कमरे का गट्टा पड़ चुका है। अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ पास से ये किस तरह दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देख के आप समझिए किस तरह से जो है मसाले को इकसार करना है। और दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए अब ये गट्टा हमारा पूरा पड़ने वाला है, फिर मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाई देता है हमारा गट्टा पड़ने के बाद। और ठीक आपको इसी तरीके से जो है डाल लेना है।
देखिए दोस्तों, अभी ये गट्टा हमारा पड़ गया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इस कमरे में डाल दिया है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपको भी डाल लेना है।